ऑटिज्म की अलामत बच्चों में इब्तदाई उम्र में भी जाहिर हो सकती हैं, जैसे कि 6 माह तक कोई मुस्कुराहट या दीगर गर्म जोशी के तासुरात ना होना, 9 माह तक आवाजों, मुस्कुराहटों या चेहरे के दीगर तासुरात का इश्तराक ना कर पाना, 12 माह तक कोई बात, कोई इशारा ना कर पाना, ना कुछ दिखाना, ना ही हाथ लहराना और ना ही अपने नाम पे जवाब देना, 16 माह तक बहुत कम या बिल्कुल भी अल्फाज का इस्तेमाल ना हो पाना, 24 माह तक ना किसी को नकल कर पाना और ना ही किसी की बात को दोहरा पाना। अक्सर वालदैन ये कहते हैं कि उनका बड़ा बच्चा भी बहुत अरसे तक बोल नहीं सका था, इसलिए कोई मसला नहीं, ये बच्चा भी वक्त गुजरने के साथ साथ बोलने लगेगा। ऐसा हरगिज नहीं है, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र में अल्फाज नहीं अदा कर सकता या 3 साल की उम्र में एक मुकम्मल जुमला नहीं बोल सकता तो डॉक्टर से रुजू करें। देर से बोलना, बात ना करना, ये सब ऑटिज्म की अलामत हैं। ऑटिज्म की वो अलामत जो 2 से 3 साल की उम्र में जाहिर होती हैं, खिलौनों के साथ नामुनासिब तरीके से खेलना, दूसरों से ला ताल्लुकी का मुजाहरा करना, बिला वजह हंसना या रोना, तेज रफ्तारी या गैर फाली का मुजाहरा करना, प्यार से गले लगाना बिल्कुल पसंद ना करना, खतरे के बारे में कम आगाही होना, इंतहाई बेतरतीब या इंतहाई गैर फाल होना, किसी चीज को घुमाते रहना, रूटीन में तब्दीली बिल्कुल पसंद ना करना, आंखों से राब्ता ना कर पाना, ऊंची आवाजों के लिए ज्यादा हसासियत का मुजाहरा करना, किसी एक चीज के साथ गैर मामूली लगाव रखना, बाजुओं का फड़फड़ाना या छलांगे लगाना, उंगली से इशारा करने के बजाय मुख्तलिफ एमाल दिखाकर उस चीज तक पहुंचने की कोशिश करना। अगर आपको अपने बच्चे के अंदर इस तरह की कोई भी अलामत नजर आती है तो जल्द अज जल्द डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से राब्ता कीजिए।